नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो इस बढ़िया मौसम में आप सभी के लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आए हैं, और अगर आपको लगे कि हाँ जानकारी अच्छी है, हेल्पफुल है हमारे लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल ना झिझकें, चैनल सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेडमैन भाई जिसने 7-8 दिन पहले ज्वाइनिंग की थी, तो उसको कौन सी ट्रेड मिली है, क्या उनसे CEO ने क्वेश्चन पूछे, क्या कुछ होता है इसके अंदर, कैसे आप ट्रेड के बारे में, मतलब आप क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है तो मतलब आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जैसे आपको अगर कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर मिल सकता है, ITI से हो, आपके बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होता है यूनिट के अंदर, कैसे ट्रेडें जो है जो दी जाती हैं, कैसे एडम ऑफिसर क्या पूछते हैं, सभी क्वेश्चन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं भाई से और सुनते हैं जो रिकॉर्डिंग की है उनकी। तो दोस्तों हमारे साथ पहले हैं संदीप भाई साहब, जो प्रकार से मतलब 7-8 दिन हो गए उनको ज्वाइन करे, पहले भी इनके साथ वो बनाई थी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो कैसा क्या रहा है, चल रहा है एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा है भाई। बढ़िया, अच्छा मन लग रहा है? हाँ मन लग रहा है। तो भाइयों को बताओ क्या क्या प्रोसेस आगे हुआ भाई, किस प्रकार क्या इंटरव्यू है, मतलब जो किस किस के साथ होता है, कौन इंटरव्यू लेता है, इस बारे में जो नहीं ज्वाइन करेंगे भाई उनके लिए क्या गलती ना करें वो। हाँ भाई, जैसे ज्वाइन कर लिया आप, जिस दिन हो गए उसी दिन ज्वाइन हो जाएगा, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। और उसके 2 या 3 दिन बाद में इंटरव्यू, जैसे उनको टाइम लगेगा क्लर्क को या फिर उधर SMB में भेजेंगे, क्लर्क होता है उधर उनके पास से, फिर वो आगे बताएगा SMO मैडम के पास इंटरव्यू के लिए। अगर वो उनको टाइम होगा फिर वो इंटरव्यू ले लेंगे। अच्छा। पहले SMO मैडम लेंगी, फिर लेंगे एडम सर, बाद में लेगा DC। अच्छा, कई 3-4 जगह इंटरव्यू कमांडेंट। हाँ, SMO एडम ऑफिसर और डिप्टी कमांडेंट। अच्छा। और किसी किसी यूनिट में कमांडेंट से भी हो सकता है अगर कमांडेंट बिजी ना हो। तो क्या क्या इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बैकग्राउंड के बारे में क्या पूछते हैं? ये पूछेंगे अपने बारे में, पूछेंगे क्वालिफिकेशन, पूछेंगे घर में कितने सदस्य हो, ये पूछ लेंगे, घर का बैकग्राउंड पूछ लेंगे, और तुम क्या कर सकते हो ये पूछ लेंगे। जैसे कोई पूछता है, ये पूछ लेंगे भाई तुम कंप्यूटर में क्या आता है कुछ, जैसे किसी की कोई और ट्रेड हो, कोई इलेक्ट्रिशियन में हो, ऐसे पूछ सकते हैं कुछ, किसने जो लिखवाएगा SMB पूछेगा उधर, वो अपनी क्वालिफिकेशन बताओ उसमें, बता देना जो क्वालिफाइंग है, जैसे BSc है, MSc है, ITI है, वो अपनी बता देना। अच्छा, तो उसके आधार पे बेनिफिट होते हैं, मतलब कि ITI बताए तो उसको उस तरह के ट्रेड दी जाएगी। जैसे ITI बता दे, जैसे ITI में कोई वैकेंसी खाली है तो वो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, और उसमें वो अच्छा कर सकता है। अच्छा। मतलब जैसे किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है, मतलब कंप्यूटर में जगह है कहीं, तो उसको कंप्यूटर में डाल देंगे। अच्छा, तो वर्कलोड कौन से में ज्यादा होता है भाइयों को, मतलब ये सलाह दो कि कौन से में जाना चाहिए, मतलब तेरे हिसाब से। वर्कलोड हर में ही वर्क बराबर है, जैसे आप फील्ड में जाओगे तो फील्ड में क्या है, शरीर को आराम नहीं रहेगा लेकिन माइंड को आराम रहेगा, वो काम करके अपना 3-4 घंटे आराम करो, वो है। कंप्यूटर पे रहोगे तो शरीर को आराम रहेगा, मेंटली प्रेशर रहेगा थोड़ा, क्योंकि फाइल वगैरह वो बनानी पड़ेगी, मेंटली वो काम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या वो आएगा वो। तो वर्क तो लगभग बराबर रहना है, या तो मेंटली रहेगा या फिजिकली रहेगा, वो वर्क का बराबर ही है, चाहे किसी में कर लो, मतलब वो तो आपकी सुविधा के अनुसार। किसी भाई को तैयारी कर रहा है कोई साथ में, तो उस हिसाब से कौन सी सही रहेगी? जैसे कोई साथ साथ में पढ़ाई कर रहा है तो मेरे को तो ये लग रहा है, जैसे पता चला है पिछले साल वालों से कि जो फील्ड में ही ठीक है, अंदर अंदर क्या है, अपना काम करो 3-4 घंटे बाद में वो आराम है, वो उसमें पढ़ लो पढ़ने वाले। हाँ हाँ ये भी है। और कहीं ना पड़े वो कब बना, मतलब कितने दिन बाद बनता है वो, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा क्या बताया? सर्विस कार्ड बनता है ना जो अच्छा सर्विस सर्टिफिकेट। हाँ, सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो, जैसे बैंक अकाउंट खुलाने के लिए दिया है मैंने सर्विस सर्टिफिकेट, वो उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, सर्विस भाई आपको किस लिए चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट, तो दे दिया भाई बैंक खाता खुलवाने तो चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट, तो वो खाता खुलवाएंगे तो वो क्या, वो आर्मी वाला जो कार्ड होता है ना। हाँ हाँ, वही चाव रहता है शुरू शुरू में, आर्मी कार्ड लेंगे। हाँ ये भी है। हाँ, तो उसके लिए वो जिसको चाहिए आर्मी वाला कार्ड, वो सर्विस सर्टिफिकेट ले लेना अपनी पहले, और बाद में खाता खुलवा लेना। मतलब अकाउंट वहाँ खुलवाएंगे तो सर्विस सर्टिफिकेट वो जो है आर्मी वाला कार्ड मिलेगा? हाँ, आर्मी वाला कार्ड मिलेगा, सर्विस सर्टिफिकेट लगा के लेंगे तो। अच्छा, चलो बढ़िया, ये तो भाइयों के लिए। हाँ
चलो ठीक है, तो और तो कुछ इसके बारे में कोई और? इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, वो कोई ड्रेस नहीं, कोई डर नहीं, बस वो अपने आप पूछ लेंगे, सब कुछ अपने आप पूछेंगे भाई। हाँ भाई, उनको चॉइस बाई चॉइस नहीं बोलना, मतलब आगे से ये नहीं बोलना कि सर हमको ये भाई, आपने आगे से मत बोलना, जैसे मैं बोल गया था डीसी सर से आगे से कि मेरे को ये दे दो, फलाने दे दो, देख लिए तो वो चिढ़ जाते हैं थोड़े ऑफिसर। हाँ। तो बस अपने आप पूछेंगे, वो बता देना आपका जो इंटरेस्ट उस हिसाब से अपनी जो क्वालिफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं वो बता देना, वो अपने आप फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि ये किस ट्रेड के लायक है। वो सारी ट्रेड लगभग बराबर ही है, चाहे कौन सी कर लो लगभग बराबर ही पड़ेंगी। अच्छा, अंदर भी ठीक है वैसे भी ठीक है, वो कौन सी कर लो वो अलग अलग बेनिफिट हो जाते हैं, कोई कौन सी चीज का कोई अलग से बेनिफिट है, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं वो इस हिसाब से। और वो वैसे पूछते ही हैं सबसे भाई, कंप्यूटर आता है लेकिन वो देना वो बहुत मुश्किल है, वो किसी को देते हैं यहाँ भी देते हैं। अच्छा। पूछते हैं सबसे लेकिन वो करते अपने मन की है। चल ठीक है भाई, सब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भाइयों के लिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, और बाद में ओके भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, ओके भाई।